हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज हम बात करने वाले हैं एशियन पेंट रॉयल साइन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे आपके रूम में रॉयल साइन कैसे यूज़ किया जाता है, ये पेंट का प्रोसेस क्या है और क्या तरीका है, कैसे करेंगे। तो गाइस शुरू करते हैं। अगर आपके रूम में कोई त्रेड़ आई हो और उसको कैसे भरना है, ये सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो के अंदर देंगे। गाइस, बगैर स्किप किए आप पूरी वीडियो शुरू से लेके लास्ट तक देखना। मेरा दावा है गाइस कि ये वीडियो देखने के बाद किसी और से आपको कुछ भी पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो गाइस, आप देख रहे हैं ये रूम में वॉल में त्रेड़ आई हुई है। ये त्रेड़ क्यों आती है, कैसे आती है, इसकी वीडियो हम बाद में बताएंगे। फिलहाल बताएंगे इसका इलाज कैसे करना है। तो गाइस, जहाँ भी त्रेड़ आई हो उसको उस त्रेड़ की जगह पे होल बनाएं। ये होल आपका 5 mm से लेके 10 mm तक का गहरा होल होएगा। तो ये होल करने के बाद गाइस इसमें रिपेयर करना होएगा। वो रिपेयर आप जेके वाल पुट्टी, सबसे पहले गाइस क्या करना है, सारे रूम को जहाँ जहाँ पेंट आपका निकलने वाला है उसको बहुत अच्छे से निकाल लें। जहाँ भी कहीं दीवार में पपड़ी है, क्रैक है, वो सारे आप निकाल लें। और निकालने के बाद पीओपी और वाल पुट्टी से इसका अच्छे से रिपेयर करें। कहीं डाउट भी लगे आपको कि हाँ ये बाद में निकल जाएगा तो उसको निकाल दें, उसमें मेहनत में कंजूसी न करें। जैसे कि हम यहाँ, हमें डाउट लग रहा नहीं बाद में निकलेगा तो इसको पहले ही निकाल दिए। तो अगला प्रोसेस होता है दोस्त इसका रिपेयर करने का। ये अपने पास वॉल पुट्टी और प्लास्टर ऑफ पेरिस और ये डॉक्टर फिक्सिट। गाइस, डॉक्टर फिक्सिट का इस्तेमाल हम सिर्फ उसी त्रेड़ में करेंगे, ना कि बाकी रिपेयर में। जहाँ आपका दीवार वाल क्रैक हुआ है हम उसी जगह पे इसका उपयोग करेंगे। बाकी रिपेयर में हम वाल पुट्टी और पीओपी दोनों मिक्स करके ही करेंगे, और त्रेड़ में हम तीनों मिक्स करेंगे, वॉल पुट्टी और पीओपी प्लस डॉक्टर फिक्सेट। तीनों मिक्सिंग करके हम त्रेड़ की भराई करेंगे फिर, ताकि ये दोबारा क्रैक ना होए। अब यहाँ हम मिक्स करने जा रहे हैं, ये पानी है। थोड़ा सा डॉक्टर फिक्सिट डालना, पानी और डॉक्टर फिक्सिट दोनों आपस में डालना। फिर उसके बाद इसकी मिक्सिंग करना। अच्छे से मिक्स करने के बाद जो कहीं भी त्रेड़ आई हो उसकी भराई कर देनी है। बाकी रिपेयर पे आपको मैं बताया कि वॉल पुट्टी और पीओपी दोनों मिक्स करके ही भरेंगे। आप मात्रा इसकी आधा आधा भी ले सकते हैं, और कम बेसी भी होएगा तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं।
इसको अच्छे से मिक्स कर ले। मिक्स करने के बाद जहां जहां भी आपको रिपेयर नजर आए उसको रिपेयर कर देना है बढ़िया से। गाइस हम रॉयल साइन करने वाले हैं इसलिए ये तैयारी रखनी ज़रूरी होगी। बाद में अगर हम रिपेयर करेंगे तो ये निशान आएगा इसलिए इस रिपेयर को पहले ही पूरा कर देना है। रिपेयर करने के बाद जहाँ जहाँ आपने रिपेयर कर रखे हैं वहाँ सेंडिंग कर देनी है 100 नंबर रेग मार्क से या फिर 220 या 320, आप इसमें से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। वैसे 220 और 320 का उपयोग करें सेंडिंग पेपर का तो ज़्यादा ही बेहतर रहेगा। और पूरे कमरे में आप सेंडिंग कर लेना। इस बारी जब पूरी वॉल पर सेंडिंग हो जाए तो अगला प्रोसेस है प्राइमर का। ये हमारे पास बर्जर का प्राइमर है, इसकी प्राइस 150 रुपये है। ये ऑयल प्राइमर है, इसमें तारपीन का तेल मिक्स होता है। तारपीन का तेल आपके पास हो तो मिक्स कर लें, नहीं तो मिट्टी का तेल भी चलेगा। 1 लीटर में 1 लीटर तारपीन ऑयल मिक्स करना है पूरा। 1 लीटर प्राइमर और 1 लीटर तारपीन ऑयल दोनों मिक्स करके बढ़िया से मिक्स कर लें। उसके बाद पूरी वाल पर आपको इस प्राइमर की कोटिंग करनी होगी। अच्छे से मिक्स कर लें ताकि नीचे कोई मोटा प्राइमर ना बैठा रहे। जब ये आपका पूरा मिक्स हो जाए तो आपको पूरी वॉल पर जहां आपको रॉयल साइन करना है वहां पर आपको कोटिंग करना होगा, कोई भी जगह ना छूटने पाए, ऐसा आप ध्यान रखना। जब पूरे प्राइमर की कोटिंग आपका कंप्लीट हो जाए तो इसको 2 से 3 घंटे के लिए छोड़ दें सूखने को। जब आपका प्राइमर सूख जाए तो 320 नंबर से एक बार फिर से सेंडिंग कर दें पूरे रूम पर। गाइस ये हमारा रॉयल साइन है, एशियन पेंट का रॉयल साइन। इसको खोलने का तरीका मैं आपको बताता हूँ कैसे खोलोगे, नहीं तो आप बाल्टी तोड़ दोगे। गाइस इसमें एक पक्का सील होता है जिसे पेचकस के जरिए या पत्ती के जरिए आप काटेंगे और इसको राउंड फिगर में इसका एक मोटा लॉक होता है उसे भी काटना होता है बिल्कुल इस तरह। जब ये कट जाए तो आप थोड़ा सा ताकत लगा के ऊपर उठाएंगे तो आपका ढक्कन खुल
खुला मिलेगा बाल्टी। गाइस ये बहुत ही अच्छा पेंट होता है, वॉशेबल होता है, एशियन पेंट का है ये, ब्रांडेड कंपनी है। इस पेंट को करने के बाद आप धुलाई भी कर सकते हैं अपनी वॉल की। इस बाल्टी के अंदर वाइट ही आता है। अगर आपको कलर करना हो तो इसमें आपको कलर मिक्स करना होगा अपनी पसंद का। इसके साथ टूल आपको लगेगा। गाइस ये 320 नंबर रेगमार है डियर का, वाटरप्रूफ होता है जिसका हम इस्तेमाल इस पर करते हैं। ये पहली बार रेगमार लगाने के लिए आपको लगेगा 100 नंबर का रेगमार। ये रोलर हैंडल है, और ये रोलर है। ये दोनों आइटम आपको 125 रुपए के आसपास मिलेगा मार्केट में। जो हैंडल में ऐसे पुश करते हैं, इसे जीरो नंबर का रोलर भी कहा जाता है और 2 इंच का रोलर भी कहा जाता है। पेंट को दीवार पर लगा के ऐसे रोलिंग किया जाएगा जिससे आपका पेंट स्मूथ आएगा। गाइस यहाँ हम अपनी वॉल के लिए पेंट तैयार कर रहे हैं कलर मिक्स करके। इसमें पानी मिक्स किया जाता है। पानी की मात्रा 1 लीटर में 200 ग्राम 300 ग्राम के आसपास होता है। ज़्यादा मिलाएंगे तो पतला हो जाएगा, फिर करने में अच्छा नहीं पड़ेगा। 1 लीटर में 200 ग्राम 300 ग्राम के आसपास ही मिलाना। पानी को अच्छे से मिक्स कर लेना। फिर पानी मिक्स करने के बाद आपको जो कलर पसंद हो उस कलर का स्टीनर आता है। 50 ग्राम 100 ग्राम 200 ग्राम में आपको स्टीनर मिल जाएगा, पीडी लाइट का भी और एशियन पेंट का भी। कई सारे कंपनी के स्टीनर आते हैं, यहाँ हम पीडी लाइट यूज कर रहे हैं। यह हमें लाइट ग्रीन कलर बनाना है जो कि हम बिल्कुल हल्का से लेंगे। कलर को हल्का हल्का मिक्स करना, पहले कोट में आप कलर को लाइट ही रखना है, दूसरे कोट में आप डार्क कर सकते हैं। इस पेंट के 3 कोट होंगे। गाइस अगर आप स्टीनर मिक्स कर रहे हैं तो ध्यान रखें बहुत हल्का हल्का कलर डालना है। अगर
एक बार में ज़्यादा डाल देंगे तो कलर आपका पेंट बेकार भी हो सकता है, इस बात का पूरा ध्यान रखें। अगर आप कलर कम डालते हो तो फिर आप दोबारा तिबारा डाल सकते हो, कलर को सही सीमा पर ले आ सकते हो। अगर आप ज़्यादा डाल दोगे तो पूरा पेंट आपका बेकार हो जाएगा और आपके मर्जी के मुताबिक वो कलर नहीं रहेगा जो कि आपको ज़बरदस्ती दीवार में लगाना होएगा, पसंद नहीं आएगा, इसलिए कलर को हल्का ही करके चलना है। अपनी चॉइस के मुताबिक जहां आपको कलर पसंद आ जाए वहीं कलर रोक देना है। एक बात का और ध्यान रखें गाइस, ये पेंट करने के बाद सूखने पर डार्क होता है, गीले पे आपको लाइट दिखाई देगा। जैसे जैसे ये पेंट सूखेगा ये डार्क होता जाएगा, बिल्कुल कपड़े की तरह होता है। जैसे कि कपड़ा आपका सूखे में लाइट रहता है, गीले में डार्क हो जाता है, उसका बिल्कुल उल्टा होता है ये पेंट रॉयल या फिर रॉयल शाइन, ये बिल्कुल उल्टा होता है। ये गीले पे लाइट रहता है, सूख के डार्क होता है। तो गाइस यहाँ कलर बनके तैयार हो चुका है। अब जो जिस वॉल पर आप प्राइमर कर रखे हैं उस पे सेंडिंग करके 320 नंबर से फिर इसको कपड़े से पोंछ दे, साफ हो जाए वॉल आपकी, फिर कोटिंग करें एशियन पेंट रॉयल साइन की, फिर कोटिंग आप कर सकते हैं। गाइस पहले ब्रश से करना है, आप ब्रश में ज्यादा माल लेके दीवार पे फैला दें, उसके बाद फिर आप रोलर लेके उसको लेबल कर सकते हैं पेंट को, जो आपका पेंट कहीं कम लगा है कहीं ज़्यादा लगा है इस रोलर से लेवल में आ जाता है और इसकी स्मूथनेस बढ़ जाती है, आपका कलर एकदम प्रॉपर बराबर पूरी वॉल पर इस रोलर के जरिए लग जाता है। ब्रश से कहीं कम कहीं ज़्यादा होगा, ब्रश के बाद अगर आप रोलर फेर देते हैं तो वो पेंट आपका प्रॉपरली बराबर हो जाएगा, एक लेवल में आ जाएगा आपका। तो गाइस इसी तरह पहला कोट लगा लेना है, उसके बाद इसको छोड़ देना है, 2 से 2.5 घंटा आपका ये सूखेगा। जब ये वाल आपकी पूरी तरह सूख जाए फिर एक बार इसका रिपेयर चेक कर लेना है, हाँ, फाड़ा हुआ रखा कहीं हुआ है कोई वो गड्ढा ले लो, हो उसे छत मारो, छत बारीक नहीं खिड़की तो पल्ला उसका रिपेयर मार, करना होगा। बढ़िया मार दिया उसे, टेम्परेरी ना। नहीं, जितना निकलेगा उतना तो निकाला होगा। रोलर को हल्के हाथ से दबा के रखना है चलाते समय, तब जाके आपका लेबल में आएगा। अब जब आपका एक कोट लग जाए वाल पर फिर इसका रिपेयर चेक कर लेना है। अब की बार रिपेयर ये वाल पुट्टी और पीओपी से नहीं होगा, इस चीज़ का आप ध्यान रखें, नहीं तो पेंट पर निशान आ जाएगा। यहाँ यूज़ करना है चौक मिट्टी। चौक मिट्टी में गाइस आपका वही रॉयल पेंट या फिर रॉयल साइन जो भी आप वॉल में कर रहे हैं, पानी नहीं मिक्स करना है इस चौक मिट्टी में, वही पेंट मिक्स करना है। फिर इस पेस्ट बना लेना, इसी पेस्ट से आप बारीक रिपेयर कर सकते हैं। गाइस इस तरह अगर आप रिपेयर करोगे आपकी वॉल पर कोई निशान नहीं आएगा, ये अलग से नज़र आपको रिपेयर नहीं आएगा।
जब आपका ये रिपेयर सूख जाए तो आप 320 नंबर से फिर एक बार सेंडिंग कर दें। सेंडिंग करने के बाद आप दो तीन बार उस रिपेयर पर रॉयल साइन का टैचिंग लगा दें ताकि वो आपके बराबर के कोट से मैच हो जाए। बाकी जो कोट आप दो कोट एक कोट लगाए हुए हैं उससे मैच हो जाए। दो कोट करने के बाद गाइस एक बार फिर आप अच्छे से सूखने दें दीवार को। जब आपका अच्छे से ये 2-2.5 घंटे सूख जाए फिर 320 नंबर रेगमार से पूरी वॉल पर सैंडिंग कर दें, कोई भी जगह ना बचे। तो इस वॉल पर कहीं बाबरी रहेगी तो वो कट जाएगी। आपको हाथ फेरने पर कहीं बाबरी दिखे तो वो सब ये सैंडिंग पेपर से 320 नंबर से कट जाएगा। जब आप टॉप कोट लगाएंगे, तीसरा कोट लगाएंगे रॉयल साइन का, तो सूखने के बाद आपका पेंट एकदम स्मूथनेस आएगा। आप कहीं भी हाथ फेरेंगे एकदम स्मूथ लगेगा, मुलायम लगेगा। यहाँ हम 320 नंबर रेगमार से सेंडिंग कर रहे हैं। सेंडिंग करने के बाद आप वॉल को कपड़े से पोंछ लेना है या फिर फूल झाड़ू से साफ कर देना है। कहीं रुका हुआ बाबरी हट जाएगा। सेंडिंग करते समय गाइस ध्यान रखें, बिल्कुल हल्के हाथ से सेंडिंग करना है। ये नहीं कि आप किए हुए पेंट को उधेड़ दें रेगमार से, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। बिल्कुल हल्के हाथ से लगाना और साथ में हाथ फेरते जाना है कि कहीं कोई बाबरी रह तो नहीं गई। जब आपकी वाल पूरा स्मूथ हो जाए, सेंडिंग का काम आपका कंप्लीट हो जाए, तो आप फाइनल कोट चालू कर सकते हैं। लेकिन चालू फाइनल कोट करने से पहले जो आपके पास पेंट रखा हुआ है उसको एक साफ डिब्बे में छान लें। गाइस हमने यहाँ छानने का वीडियो नहीं दिखाया है, वीडियो बहुत लंबी वैसे ही हो गई है, इसलिए इस पेंट को आप छान लेना। छानने के बाद फिर आपका ये पेंट टॉप कोट यानी कि तीसरा कोट लगाने के लिए तैयार हो जाएगा। गाइस बिल्कुल कोट वैसे ही लगाना है जैसे आप पहले कोट लगाए थे। यहाँ ध्यान रखना होगा, आपको कुछ ब्रश में माल ज़्यादा लेके चलाना होगा। यहाँ माल आपका एशियन पेंट का रॉयल साइन आपके ब्रश पे कम नहीं पड़ना चाहिए। ओवर माल रहेगा तो आपका रोलर वो लेबल कर लेगा, अगर माल ही नहीं लगा रहेगा तो कहाँ लेबल करेगा। सूखा आपका रोलर नहीं चलना चाहिए, ना ही आपका ब्रश, इसलिए बुरुस में ज़्यादा माल लेके आप काम करेंगे। बहुत ज़्यादा भी नहीं लेना है कि आप पूरा फर्श को गंध मचा दो। यहाँ फाइनल तीसरा कोट डल रहा है। गाइस आपको फिर एक बार बता दूं, ये पेंट एक वाशेबल पेंट है और एशियन पेंट का बहुत ही अच्छा पेंट है, जो कि ये इसकी लाइफ आपको अगर आप साफ सुथरा रखें इसको 15 से 16 साल भी चल सकता है, नहीं तो 7-8-10 साल तो चलता ही है।
बीच में आप साल 2 साल के बाद इस पेंट की धुलाई भी कर सकते हैं। धुलाई करने के बाद जैसा नया है ऐसा ही दिखने लगता है। इस पर हरे वाले जूने से भी सफाई कर सकते हैं। जूने से जब कहीं काला ज्यादा हो वहां साफ कर सकते हो, लेकिन बहुत ज्यादा जूने को दबा के नहीं रगड़ना धुलाई करते वक्त, हल्के हाथ से किया जाता है, नहीं तो निशान आ जाता है। गाइस, ये पेंट तो वॉशेबल है ही, मेरे हिसाब से ये बहुत ही अच्छा पेंट होता है और इस पेंट में साइन बहुत होता है, मजबूत भी होता है। गाइस, अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को जाते जाते लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। अगर आपके मन में कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप लिख के हमें सेंड कर सकते हैं, रिप्लाई आपको जरूर मिलेगा। गाइस, मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो एक बार में समझ नहीं आता है तो आप दोबारा देखना, तो मुझे उम्मीद है कि आपको किसी से कोई भी बात पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी रॉयल साइन के बारे में, इस पेंट के बारे में। आप अगर नए भी होंगे तो भी आप इस पेंट को बड़ी आसानी से कर सकते हैं। अगर आप खुद भी करना चाहें तो इस पेंट को जिस तरह से हमने बताया है कर सकते हैं। अगर आपको डायरेक्ट हमसे बात भी करनी होगी तो कोई दिक्कत नहीं, बेझिझक आप मेरे से बात भी कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिल जाएगा। गाइस, नेक्स्ट वीडियो हम आपके लिए जल्द लेके आएंगे। जो भी वीडियो आपको बताएंगे पूरा प्रोसेस के साथ बताएंगे। अब की बार ये हमने पेंट डिस्टम्पर के ऊपर किया हुआ है। ये पेंट आप वहीं यूज कर सकते हो। अगर आपकी वॉल पीओपी हो रखी है, आपका दीवार लेवल में है, कोई टेढ़ा मेढ़ा नहीं है, आप गाइस वहीं इस पेंट को यूज करना। नहीं तो इससे हल्की क्वालिटी का पेंट आता है, आप उसे इस्तेमाल कर लेना, क्योंकि ये थोड़ा सा ग्लोसी होता है, वो टेढ़ी मेढ़ी दीवार लाइट में नजर आने लगती है। अगर आपकी वाल पर पीओपी हो रखी है तो आपके वाल के लिए इससे बेहतर कोई पेंट नहीं है। गाइस, अगला वीडियो हम बनाएंगे जो पहले आपका रॉयल साइन हो रखा है वाल पे और दोबारा रॉयल साइन करना है तो किस तरह करेंगे, उसके बारे में वीडियो हम जल्दी अपलोड करेंगे। गाइस, लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही बहुत सारी वीडियो हमने डाल रखे हैं, उसे भी देख सकते हैं और नेक्स्ट टाइम हम डालने वाले हैं, आप उसे भी देख सकते हैं।
अगर हमारा इस चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे तो आपको ढूंढने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो हो सकता है मैं दोबारा आपको ना भी मिलूं। थैंक फॉर वॉचिंग माई फ्रेंड, ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।